हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन था वो क्वेश्चन नंबर 40 तक आई थिंक कर लिया था, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे नीट 2021 का पेपर जो है उसकी। तो एक चीज़ जो लास्ट क्वेश्चन 40 मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने आंसर आपको बता दिया था लेकिन उसकी मैपिंग नहीं करवाई थी। तो ये देखिए, हमने जो है वो दो, एक लेंस और एक मिरर के वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ फॉर्म हो सकती हैं और कैसे वो कंसाइड करेंगी, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इन सब पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। एसी कनेक्टेड है, यहाँ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कहीं डीसी लिखा रहेगा तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एसी है तो ये आपका सप्लाई हो गया, तो ये ईपी हो गया यानी प्राइमरी वोल्टेज। इज़ मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वाट लैम्प, ठीक है, और इससे 11 वोल्ट 44 वाट का लैम्प जलाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये मेरा सेकेंडरी वोल्टेज हो गया और ये मेरी आउटपुट पावर हो गई। इग्नोरिंग द पावर लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट का करंट कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं हो रहा तो इनपुट का पावर जो होगा और आउटपुट का पावर जो होगा दैट विल बी सेम। अब आप देखिए, यहाँ जो आउटपुट का पावर है वो कितना दिख रहा है आपको, जो आउटपुट का पावर है वो दिख रहा है 44 वोल्ट और इनपुट का वोल्टेज दिख रहा है 220। तो करंट निकल जाएगा हमारा, इनपुट का करंट आई प्राइमरी, तो कितना निकलेगा बताइए, 44 / 220, सो दैट्स 0.2। तो पहला आंसर है एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या कर रखा है। देखिए, हमने पूरा ट्रांसफार्मर का एक पेज में ये पूरा रिसर्च हमने करा रखा है। ऐसा कोई भी किस्म का क्वेश्चन नहीं है जो हमने इसमें नहीं किया हुआ है। जो आपका क्वेश्चन है वो तो पहले वाले लेवल से ही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था। हमने इसमें नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर भी पढ़ा के रखा है, तो इस क्वेश्चन का तो कोई मतलब इसके सामने जो है वो इसका कोई भी आप कह सकते हैं कि इसकी औकात नहीं इस क्वेश्चन की, जो कुछ हमने पढ़ा के रखा है। आपका क्वेश्चन इस हिस्से से बेस्ड है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉट इन ट्रांसफार्मर्स। नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन। थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। द रेशियो ऑफ I3 अपॉन I1 ऑफ करेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, I1 टोटल करंट है जो एंटर कर रहा है और I3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, यहाँ सीधी सी बात है, ये जो करंट होगा I2 जिसको लिखा गया है, I2 को आप कितना लिख सकते हो, I2 को आप लिख सकते हो I1 - I3, ठीक है। और अब पोटेंशियल इक्वेट कर दो, I1 - I3 को अगर हम R2 से मल्टीप्लाई करें और I3 को हम मल्टीप्लाई करें R3 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए बीइंग इन पैरेलल। I1 × R2 इज इक्वल टू I3 R3 + I3 R2। तो यहाँ से हमें I3 की वैल्यू मिलती है I1 × R2 / R2 + R3। सो I3 / I1 की वैल्यू क्लियरली R2 / R2 + R3 मिलती है। सो आंसर 2 इज़ करेक्ट। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये तो हम कराते ही हैं। तो देखिए, यहाँ पे पैरेलल में करंट का डिवीज़न आपको बताया गया है किस तरह से होता है, डायरेक्ट करंट का एक्सप्रेशन भी पढ़ाया गया। करंट जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पैरेलल में। सो अगेन यू कैन सी द कंसेप्ट। नाउ दिस इज़ द पार्ट ऑफ मॉड्यूल, ये मॉड्यूल के अंदर भी है, ठीक है। I1 I2 का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैरेलल में, तो टोटल करंट को कैसे डिवाइड करते हैं पैरेलल में। सो इट इज़ द सेम थिंग विच इज़ देयर इन द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 इज़ कमिंग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें दो मेथड्स हो सकते हैं।
एक तो जो जो मेन मेथड है वो तो ये है कि भाई क्यू की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, तो एफ वी क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। तो आप पहले वी क्रॉस बी देखिए, यहाँ मैंने निकाल रखा है, आप इसको निकाल लीजिए और इस इक्वेशन बना लीजिए कि भाई पहला जो कंपोनेंट है 4b0-6b, ये एफ के पहले कंपोनेंट के 4 के बराबर आएगा। दूसरा है 6b-2b0, ये आ जाएगा -20 के बराबर। और तीसरा है क्या है तीसरा, -2b=12। तो देखिए यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जा रही है लास्ट वाले से, -6, b की वैल्यू -6 मिल रही है। तो ये दो ऑप्शन है आपका सही सही आंसर, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता इस क्वेश्चन का ये है, वो भी बता देता हूँ आपको, कि ये जो फोर्स आएगा ये परपेंडिकुलर आएगा वी के भी और परपेंडिकुलर आएगा बी के भी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। तो आप फोर्स आपको दिया हुआ है, तो फोर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो चारों ऑप्शन के साथ, और डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेके देखोगे तो आपको केवल ऑप्शन नंबर 2 ही मिलेगा जिसके साथ आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो दो रास्ते हो सकते हैं इसको करने के। अब देखिए हमारे नोट्स पे आते हैं, तो ये जो फोर्स की पूरी एनालिसिस होती है ये यहाँ बताया गया है, लिखा गया है फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और पार्टिकल को हम वेलोसिटी दे रहे हैं के वी अर्थ के सरफेस से, के की वैल्यू 1 से कम है यानी इसके वेलोसिटी से कम दे रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, वहाँ पे हमें हाइट निकालना है सरफेस। ये क्वेश्चन है, काइनेटिक पोटेंशियल का कंजर्वेशन यूज़ कीजिए, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक को लिखिए हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू के टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया कि हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। अब इसमें देखिए हमारा ये जो जी है, एम है, एम है, ये कट जाएगा, 2 भी यहाँ कट जाएगा इससे, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर बाई आर, यहाँ बचेगा -1/r और यहाँ बचेगा -1/r+h, ठीक है। अब ये हो गया 1-k²/r इक्वल टू 1/r+h, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा, और इससे एच निकाल लीजिए। सो आर 1/k²-r कर दीजिए, आपको एच मिल जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आंसर मिलेगा k²r/1-k²। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वी हैव डन हियर, लुक हियर, लुक हियर, पढ़िए। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सर्फेस विथ अ वेलोसिटी वी इक्वल टू एन लिखा है हमने, इट इज़ लेस देन 1, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। और हमारा आंसर देखिए यहाँ पे n²r/1-n², वहाँ n की जगह k लिखा हो, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 45 पे, कितने क्वेश्चंस हैं, ओके 50, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 220 वोल्ट, दे आर कम्बाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है हमने, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। देखिए ऐसी ऐसा है कि सबसे पहले तो वॉल्यूम कंजर्व होगा, ये छोटे ड्रॉप्स का रेडियस स्मॉल आर मान लीजिए, ऐसे ऐसे 27 ड्रॉप एक सिंगल लार्ज ड्रॉप के बराबर हैं, नहीं तो 4/3 pi कट जाएगा और 3 times of r आ जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू, सही है। अब आइए बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है k × q/radius, सही है। अब ये जो बाद वाला ड्रॉप है ये बिग वाले का मान लीजिए, तो सब कुछ बिग बिग लिखा है, और स्मॉल वाले का मान लीजिए, स्मॉल वाले का क्या लिखेगा फिर, k × q/r,
ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप निकालना हमें, सही है ना। सो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप कैन बी रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर। स्मॉल आर और आर का रेशियो हमको पता है, अभी हमें क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो नहीं पता। देखिए इस बात को समझिए, आपने 27 ड्रॉप को मिला के एक ड्रॉप बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है 27 स्मॉल ड्रॉप्स का जो चार्ज होगा वो मिला के एक बड़ा चार्ज बनेगा, नहीं? ठीक है, तो अब इसको यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 27:1 और यहाँ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का रेशियो आ जाएगा 1:3, नहीं? सो आंसर इज 9 एंड दिस इज वी बिग डिवाइडेड बाई वी स्मॉल। एंड वॉट इज वी स्मॉल? वी स्मॉल इज 220। सो वॉट इज वी बिग? सो वी बिग पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ बिग स्फियर इज 2220 × 9 volt 1980। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ यू सी, इसने पोटेंशियल पूछा है, ये देखिए हमारे क्लास में करवाए हुआ क्वेश्चन, हमने जनरलाइज करके एन के लिए निकाला है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, लेट मी मार्क इट। नोट्स की प्रेसिशन देखिए आप, क्या पढ़ाया जाता है, एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे एन, एन क्या है भाई? जितने ड्रॉप्स में आपने तोड़ा है, इससे डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। हमारा वी बिग, वी बिग ये है कैपिटल वी, तो अगर वी बाई वी डैश निकाले तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एन की पावर 2/3 पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं? एन कितना हमारा 27 की पावर 2/3। 27 कितना है? 27 3 की पावर 3 है, तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे 220 दिया हुआ था, ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। हमने एन के टर्म्स में निकलवा दिया सीधा, कि अगर एन ड्रॉप्स में डिवाइड करेंगे तो डैश डैश वाला सारा स्मॉल ड्रॉप का क्वांटिटीज़ है और कैपिटल वाला जो है वो पहले वाले ड्रॉप का। चलिए एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, एन LCR सर्किट कंटेनिंग 5 ओम इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल सप्लाई। द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द पावर ट्रांसफर्ड द सर्किट इज हाफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी लाइकली टू बी। हाफ पावर पॉइंट्स पूछा जा रहा है आपसे, मैं आपको पहले अपने नोट्स का दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हाफ पावर पॉइंट्स, आपको मैं बता दूँ कि हाफ पावर पॉइंट्स के बीच की जो गैप होती है उसको हम बैंड विड्थ कहते हैं, और उसकी वैल्यू आर बाई एल के बराबर होती है, ठीक है। वही हाफ पावर पॉइंट्स आपको निकालने बोले, और उनके ठीक मीन की वैल्यू जो होती है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब जिन पे हाफ पावर मिलता है उन एंगुलर फ्रिक्वेंसीज का अगर आप मीन ले लें, उनका बीचों बीच आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मिलेगा। तो अब आइए यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ओमेगा 2 − ω1 की अगर हम बात करें तो बैंड विड्थ होगा, दैट इज़ आर बाई एल। वट इज़ आर? वट इज़ आर? आर इज़ 40। वट इज़ एल? एल इज़ 5। सो दिस इज 8। एंड ओमेगा 2 + ω1 डिवाइडेड बाई मीन डिवाइड बाई 2 आई एम सॉरी इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। एंड वट इज़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी? इट इज़ 1/√LC। सो गो अहेड। वट इज एल? एल इज़ 5। एंड वट इज सी? सी इज़ 80 μF। तो हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचते हैं नीचे में 400 × 20 निकलेगा और 10⁻⁶ के निकलेगा 10⁻³। ये 1000 ऊपर जाएगा, 1020 से कटेगा तो बनेगा 50। यानी एक इक्वेशन मिलता है ओमेगा 2 − ω1 = 8 और दूसरा मिलता है ओमेगा 2 + ω1 = 50 × 200। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 ω2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 108, नहीं? सो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। एंड ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 − 8, दैट इज़ 46। 46 and 54 आर द करेक्ट आंसर ऑन आंसर नंबर 3। इट इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन, जिसको क्वालिटी फैक्टर और बैंड विड्थ का पता है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आप देखिए 46 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और नोट्स में इसकी मैपिंग कर दी हम लोगों ने।
अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47th क्वेश्चन में एक वायर है, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ 12 ए है और उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इस वायर को हमने वुंड अप किया है करंट कैरिंग कॉयल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड स्क्वायर ऑफ साइड ए, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट्स निकालने हैं। देखिए इन दोनों केस में सेम वायर यूज़ हो रहा है तो करंट तो ऑलरेडी सेम होगा, पहले इस बात को समझ लीजिए आप। उसके बाद रहा सवाल 12 ए का, 12 ए को अगर हम लोग साइड ए के इक्विलेटरल ट्रायंगल के टर्म्स में बात करें तो वो 3 ए उसका साइड है तो पेरीमीटर 3 ए हो जाएगा, तो पूरा 12 वे वायर तो लगा नहीं, इसका मतलब इसको बार बार लपेटेंगे तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लीजिए, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी 12 वे लेंथ वायर को आप लपेटेंगे स्क्वायर में तो इसको N2 इंटू 4 ए लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से आपको उसके नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू मिल जाएगी 3। उसके बाद आपका ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको N1 इंटू I इंटू A1 लिखिए और M2 को लिखिए N2 इंटू I इंटू A2। वट इज़ N1? N1 इज़ 4। वट इज़ I? I इज़ I। वट इज़ A? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इट इज़ √3/4 साइड स्क्वायर, 4 कट गया। N2 इज़ हाउ मच? 3। करेंट इज़ कैपिटल I। वट इज़ एरिया? A स्क्वायर। सो आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट। ये जो फॉर्मूले होते हैं NIA इसी पे बेस्ड था, और ये भी देखिए यहाँ पे कराया गया है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क वगैरह सब कुछ कराया गया है और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। यहाँ पढ़ाया गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट NIA के बराबर होता है, ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री। एक सेकेंड, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के टाइम्स MR2। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो MR2 होगा ऑन एक्सिस के अबाउट, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। नाउ आपने इसका 1/4 काट के निकाल लिया तो बचा कितना मास? 3/4। सो जो बचा हुआ जो आर्क का हिस्सा है रिमेनिंग का, वो भी रिंग के फॉर्मूले से निकलेगा क्योंकि उसमें भी एक्सिस से सारा मास आर डिस्टेंस पे ही है, बट उसकी मास अब 3/4 हो गई तो उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक। अब ये कह रहा है कि इस K टाइम्स MR2 होगा, सो इट इज़ 3/4 आई थिंक, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि ये पहला आंसर होगा, रिमेनिंग का ही पूछ रहा है ना। हाँ, 1/4 यू हैव रिमूव्ड फ्रॉम द रिंग, आपने रिंग से रिमूव किया, बिल्कुल। सो आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। ये देखिए हमने सेक्टर पे कराया हुआ है, अगर सेक्टर का मास दिया होगा तब कितना होगा वो भी लिखा है, और अगर ये भी पढ़ाया हुआ है कि अगर सेक्टर का मास नहीं दिया है, अगर डिस्क का मास दिया है तो कितना होगा। बहरहाल ये क्वेश्चन रिंग से था, रिंग का भी हमने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कराए हैं अबाउट ऑल एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 2 सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। देखिए जब म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्या होता है ना कि जो प्राइमरी का करंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, तो प्राइमरी का करंट m टाइम्स होगा इज इक्वल टू NS φS, इसी को ले के हम डराइव करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, NS इंटू φS यानी फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू m इंटू करंट थ्रू प्राइमरी, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आपका जो है वो प्राइमरी लूप है और उसके सेंटर के आसपास कंसंट्रेटेड आपका सेकेंडरी लूप है, प्राइमरी लूप की रेडियस आपको दे दी गई और वो दे दी गई है R1, सेकेंडरी लूप की रेडियस दे दी गई R2, और नंबर ऑफ टर्न्स की कोई चर्चा नहीं है तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, हम सीधा इसको यूज़ करेंगे। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू IP
इज इक्वल टू एन एस. नो एन एस का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी. फाइ एस फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी. फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी में क्या होगा, एरिया तो सेकेंडरी का होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है. प्राइमरी ही मैग्नेटिक फील्ड देता है क्योंकि करंट तो इसमें मूव कर रहा है, केवल करंट इसमें घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का होगा. तो क्या लिखेंगे हम आगे बताइए, हम आगे लिखेंगे एम, इसीलिए तो आई पी के प्रोपोर्शनल होता है. फील्ड का सोर्स होता है प्राइमरी कॉइल जो कि फ्लक्स बनाता है सेकेंडरी कॉइल्स. ठीक है, तो इसको लिखेंगे पाई इंटू आर एस स्क्वायर और इसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई पी डिवाइडेड बाई टू आर पी. तो अब आप देखिए यहाँ से आई पी कैंसिल हो जाएगा और आपको केवल प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है. तो एम जो है वो आर एस स्क्वायर के डिवाइडेड बाई आर पी के प्रोपोर्शनल है. सो आर एस मतलब आर टू स्क्वायर बाई आर वन के प्रोपोर्शनल है. सो आंसर फोर इज करेक्ट. ठीक है, अब आप देखिए अगेन द सेम डेराइवेशन. आर एस और आर पी के टर्म्स में मैंने ड्राइव किया हुआ है. आर एस स्क्वायर बाई आर पी के प्रोपोर्शनल है एम. अभी तक मैंने जितनी मैपिंग करी है उससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा कंटेंट क्या है. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. ठीक, तो इससे देखिए एक रेवोल्यूशन में उसको टाइम लगता है टी, तो उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ से निकल जाएगी. टू पाई आर डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी. इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट इज इक्वल टू फोर आर. ठीक है, सो फोर आर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर आर को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट. और ये उसी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो इसको भी हम यू ही लिखते हैं. अब आप यहाँ से वैल्यू डालिए तो यू स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू जी. फोर फोर कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो यहाँ से और साइन स्क्वायर थीटा इज इट टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर इजंट इट. साइन स्क्वायर थीटा इज टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर. बिल्कुल सही है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ टू जी टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर और फिर इसका साइन इन्वर्स लेंगे. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर. ठीक है, फोर्थ आंसर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 था हमारा. अब अगेन आप देखिए ये तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था. हाइट का फॉर्मूला अगर आपको मैक्सिमम हाइट का पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. तो आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस कराया और सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स पे मैप करके दिखाया मैंने. तो ऐसे नीट के पेपर का डिस्कशन ख़त्म होता है. जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको 2017 से लेके 2021 तक का जितना भी पेपर है उसका इसी तरह का डिस्कशन दिखेगा. केवल क्वेश्चन के डिस्कशन नहीं है, उन क्वेश्चन के पीछे जो थ्योरी है उसको भी इन ब्रीफ समझाया गया है. ठीक है, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी. तो एग्ज़ामिनेशन के टाइम में रिवीजन के लिए वो बेस्ट है. ठीक है, पिछले 5 साल का पेपर आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. हमारे और भी वीडियोस हैं जो टॉपिक वाइज आते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं. अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.